नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम रूम स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेताजी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, 24 जुलाई हो चुकी है और 24 जुलाई के साथ साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे की सुनवाई होनी है, जो आप सब जानते हैं, मॉडिफिकेशन और 60% और आपका बीएड मुद्दा, अन्य और सभी केस आज 24 तारीख के साथ में सुप्रीम कोर्ट में यूलेथर की बेंच में लगे हुए हैं। और उसी के साथ में आप सबको बता चलें कि एक उत्तर कुंजी वाला मामला था जो कि अभी तक सुलझा नहीं है, वह हाई कोर्ट भेज दिया गया है। उसके जवाब में जब आरटीआई से जवाब मांगे तो उनका जो जवाब मिले वो भी जवाब बदले हुए जवाब थे। और इसी के साथ में आप सबको बता चलें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि वो यूपी में न्यू शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, क्या होगी परीक्षा प्रणाली, किस प्रकार होगा साक्षात्कार और किस पर होगा किस पर नहीं होगा, और एनओसी मुद्दा और ईवीएस मुद्दा को फैसला लेकर और 1906 भर्ती ने अंतिम पड़ाव पर। और वहीं बात करते हैं कि आज कोर्ट नंबर पाँच पर जस्टिस यू ललित और शांतनु गौड़ की खंडपीठ में स्पेशल अपील पर 309 पर ये मुद्दा लगा हुआ है, जो कि आपका मॉडिफिकेशन और 37,339 और बीएड एसएमएस एसएम और भारंकन और यहां तक कि 24 जो 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी उसका भी कुछ महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा। जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी को लेकर आते हैं। दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं कि आज 24 जुलाई की आप देख पा रहे हैं क्लोज लिस्ट है, जो कि राघवेंद्र प्रताप के नाम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसमें 13,769/2020 ये SLP नंबर है जिसकी सुनवाई आज होने जा रही है। उसी के साथ में एक और अन्य जो कि EWS का मुद्दा है, जो कि 10% स्वर्ण आरक्षण संबंधित है, जो कि इसकी सुनवाई पंकज जायसवाल और कर्णराज सर की पीठ में लखनऊ बेंच में इसकी होगी। और उसमें आप सभी को बता चलें कि यूपी में नया शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है, जिसमें जो भर्तियां हैं वो 3 खंडों में होंगी, जो कि कै वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। जो आपकी कै वर्ग में भर्ती होगी उसमें जो 30 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी, 70 नंबर की और अन्य बहुविकल्प परीक्षा होगी। उसी के साथ में जो कि कै वर्ग जो होगा आपका उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से संबंधित होगा। उसी के बाद बात करते हैं आपका ख वर्ग, जो कि ख वर्ग होगा आपका, उसमें LT ग्रेड, TGT और PGT संबंधित परीक्षाएं होंगी, जिसमें इंटरव्यू भी साथ में होगा, जिसमें 70% आपकी लिखित परीक्षा होगी, 30% से आपके इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और इसी के साथ में आप सबको बता चलें कि जो आपका गया वर्ग होगा, गया वर्ग में आपकी प्राइमरी शिक्षा संबंधित होगी, इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। और क्वेश्चन में ऐसा भी आ रहा है कि आपको CTET और UPTET के 1/4 भाग भी आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि नया शिक्षा चयन बोर्ड होगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि जो आने वाली भर्ती होगी, अब प्राइमरी में जो आने वाली भर्ती होगी वो भी आपके नए शिक्षा चयन बोर्ड के आधार पर की जानी है। दोस्तों, ये थी न्यूज़ जो हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, तो धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र सिंह।